आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं का जो सिलेबस रिलीज किया गया है, जो कल ही रिलीज किया गया है, उसका इसमें हम लोग निचोड़ देखेंगे कि कौन सा चैप्टर को पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सामाजिक विज्ञान का होगा, और सामाजिक विज्ञान में कौन सा चैप्टर को पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आइए उसको इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको तो एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए बाबू लोग हम लोग देखते हैं क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट जो डे हम लोग को फर्स्ट वीक जो पढ़ना है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। अगर आपको चाहिए, अधिक चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो कोड आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं कोड दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को सबसे पहले स्कैन करके यहाँ पे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है जैक के द्वारा रिलीज किया गया, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा रिलीज किया गया सामाजिक विज्ञान का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में कि सबसे पहले तो इसमें माह लिखा हुआ मिलेगा, इसमें सप्ताह, चैप्टर और अध्याय, चैप्टर का नाम और क्या क्या पढ़ना है ये कुछ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि टॉपिक को समझते हैं। पहला सप्ताह में जो पढ़ना है आप लोगों को, मई में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ, 17 दिन टोटल मिला के है आपका। 17 दिन में जो दिया गया है ज्योग्राफी, यहाँ पे देखिएगा जी लिखा हुआ मतलब ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको संसाधन एवं विकास पढ़ना था। ठीक है, क्या पढ़ना था? संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी में। ठीक, तथ्यों आंकड़ों को पहचानना है, पुनः प्रयोग करना है, ये सब कुछ क्या क्या करना नहीं करना है ये आप लोग जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप टिक लगा सकते हैं अपने बुक में। ठीक, चलिए ये था आपका पॉलिटिकल साइंस में सत्ता की साझेदारी आप लोगों को देखना है। ठीक है, आगे आइए, आगे आप देख सकते हैं, फिर आगे दिया हुआ है, ये जून माह का था, जून माह में 6 दिन की क्लास हुए, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सप्ताह में, और ये आपको देखना था। और जून माह का ही चौथा और पाँचवा सप्ताह में जो है वो हिस्ट्री आपको देखना था, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपको देखना था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये आप लोगों को देखना था। ठीक बाबू लोग, चलिए ये तो देख लिए हम लोग, लेकिन आगे चलिए, आगे जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे कि जुलाई माह में हम लोगों को क्या पढ़ना है, फिर से रिपीट होता है, फर्स्ट सप्ताह में 6 दिन की क्लास होगी, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, मतलब भूगोल का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ठीक है, और उसमें पढ़ना है वन एवं वन्य जीव संसाधन को अपने पर्यावरण से जोड़कर देख पाता है, ये टॉपिक को उसमें पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और इसी जुलाई में सेकेंड सप्ताह और थर्ड सप्ताह में 4 दिन की क्लास होगी, उसमें विकास जो चैप्टर इकोनॉमिक बुक आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है आप पढ़ेंगे विकास, इसमें सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे आइए, जुलाई के माह में ही चौथा सप्ताह जो होगा वो 6 दिन की क्लास होगी, और इसमें हिंदी मतलब एच लिखा हुआ मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्र मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसी जुलाई के ही चैप्टर नंबर जुलाई के ही सप्ताह 5 में 3 दिन की क्लास है, और इसमें फिर से ज्योग्राफी को पढ़ना है, जल संसाधन। ठीक है, और जल संसाधन में क्या पढ़ना है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। ठीक, आगे आइए, आगे जल संसाधन में क्या देखना है बाबू लोग, देखो जल संसाधन तथा दुर्लभ जल संरक्षण एवं प्रबंध की महत्व को समझाते हुए इसका वर्णन करना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग आएंगे अगस्त सप्ताह के, और अगस्त सप्ताह में देखिए 14 दिन की टोटल क्लास होगी 3 सप्ताह में। ठीक है, उसमें सबसे पहले पॉलिटिकी मतलब पॉलिटिकल का संघवाद जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र जो है उसको पढ़ना है, और सभी क्षेत्र को पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए तो मतलब कि अगस्त के फर्स्ट सप्ताह, सेकेंड सप्ताह और थर्ड सप्ताह में 14 दिन में आप लोग को संघवाद और मतलब पॉलिटिकल साइंस का संघवाद और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था जो चैप्टर नंबर 2 है इसको पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और चौथा पांचवा 10 दिन की क्लास होगी, इसमें हिस्ट्री को पढ़ना है और भूमंडलीय विश्व का बनाना कैसे, ये सब कुछ आपको बनना कैसे, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर को मतलब कह सकते हैं सर कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फुल देखेंगे हम लोग, इतना तो समझ रहे हैं ना आप। हाँ, और उसके बाद फिर इसी अगस्त सप्ताह में फर्स्ट और सेकंड वीक में सितंबर सप्ताह में फर्स्ट एंड सेकंड वीक 5 दिन में आप लोग को जितना भी पढ़े हैं आप सभी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, जहाँ तक पढ़े सबका पुनः रिवीजन करेंगे। फिर सितंबर के चौथा पाँचवा तीसरा चौथा सप्ताह में फिर से भूगोल हम लोग देखेंगे, कृषि। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पाँचवा छठा सप्ताह में 7 दिन की क्लास होगी, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जाति धर्म और लैंगिक मसले ये हम लोग देखेंगे। ठीक, उस
इसके बाद यहाँ पे देखिए सितंबर माह तो हम लोग तो देख ही लिए, अब उसके बाद आता है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में जैसे कि आपको क्या क्या देखना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर सबसे पहले नए हैं तो बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अक्टूबर माह के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सप्ताह 12 दिन क्लास होगी, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे और फिर चौथा पाँचवा सप्ताह में 9 दिन की क्लास होगी, उसमें इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, मुद्रा और साख। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 9 दिन की क्लास और चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का मुद्रा और साख जो चैप्टर का नाम है उसमें सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है नवंबर माह में। तो नवंबर महीने में क्या करना है आप लोगों को, नवंबर महीने में फर्स्ट सप्ताह में 1 दिन की क्लास और सेकेंड सप्ताह में 4 दिन की क्लास होगी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे पॉलिटी को देखते हुए राजनीतिक दल को हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा सप्ताह में ज्योग्राफी का पाँचवा देखेंगे, ठीक है, पाँचवा चैप्टर देखेंगे, खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन। और चौथा सप्ताह में ज्योग्राफी का ही छठा चैप्टर देखेंगे, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, और पांचवा सप्ताह में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूरा चैप्टर को देखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी का छठा चैप्टर में सिर्फ आपको ये देखना है कि भारत के मानचित्र पर इस्पात सूती कपड़े के उत्पाद का पता लगाया गया। ठीक है, इसको देखेंगे और ऊपर में मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा चैप्टर है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखने देखिए बाप लोग, बार बार हम आपसे रिपीट करेंगे, बार बार बोलना भी हम लोगों के लिए खराब लगता है, हमको खराब लगता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए आप लोग समझदार हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, है ना। तो चलिए फर्स्ट सप्ताह में नहीं पढ़ेंगे, दूसरा सप्ताह में 5 दिन की क्लास होगी, 6 दिन की क्लास होगी दिसंबर की महीने में। ठीक है, और उसमें हम लोग लोकतंत्र के परिणाम को देखेंगे। तीसरा सप्ताह में 6 दिन की क्लास होगी, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। चौथा दिन की क्लास होगी और 4 दिन की क्लास में मतलब चौथा सप्ताह में 6 दिन की क्लास होगी, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ आप लोगों को बताया गया है कि देखिए इतिहास में आप क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को कि ये सभी को देख लेना है, सिलेबस को नोट कर लेना, इस हिसाब से पढ़ना है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में फाड़ू नंबर ला सकें। जनवरी में 20 दिन, फरवरी में 20 डे और मार्च में 21 डे वर्किंग डेज जो एग्ज़ाम होगी वो सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके लेकर आप लोगों को रिवीजन करना है और टेस्ट भी देना है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल मिला के 224 दिन की क्लास होगी। ठीक है, 224 दिन की क्लास है, ये सभी को आपको अटेंड करना है, पढ़ना है और कुछ ही दिनों के बाद आपको इस चैनल के ऊपर कंटेंट अवेलेबल हो मिलना चालू हो जाएगा सिलेबस वाइज साप्ताहिक टेस्ट के तहत। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।